आइए आज हम जानते हैं बॉश रेफ्रिजरेटर के बारे में। बॉश एक ऐसा ब्रांड है जो जर्मन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो फीचर वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज थोड़ा सा एडवांस आता है। तो हम बॉश रेफ्रिजरेटर में आज देख रहे हैं बॉश का 347 लीटर कैपेसिटी में फ्रिज, जिसका 3 स्टार रेटिंग में रहेगा और इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है 222 पर ईयर रहेगा। नॉर्मल हम अगर देखते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर के बारे में, उसका सबसे ज़रूरी पार्ट जो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर की बात मैं अगर करूं तो बॉश में जो है वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर आता है, जो कि वाइब्रेशन लेस, नॉइस लेस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है एकदम कम लेगा। फिर उसके साथ साथ इसमें हम देखते हैं बॉश रेफ्रिजरेटर में सबसे ज़रूरी जो है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स हम देखते हैं, इसमें जो है इसका पैटर्न दिया हुआ है 80 और 20 का, जो कि फ्रीजर सेक्शन में 20% फ्रीजर दिया है और फ्रीज सेक्शन जो है 80%, जो हम सबसे कम यूज़ करते हैं, जो फ्रीजर सेक्शन जो आता है उसका यूज जो दिया है सिर्फ 20% एंड कंपेयर टू फ्रीजर में देखते हैं उसका सेक्शन आएगा 80% का, जो कि काफ़ी स्पेस वाइज भी हमको सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिलेगा। यहीं अगर देखते हैं यहाँ पर 5 सेल्स दिए हैं, जहाँ जैसे हमारे रहेंगे उस हिसाब से हम उसको उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सेल्स दिया है, इसको इजी टू एक्सेस दिया है, यहाँ से निकाल कर हम इसको जो है सेकंड कंपार्टमेंट में अगर एडजस्ट करना है तो उसको इजीली यहाँ से नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर देखते हैं बॉश में टेक्नोलॉजी वाइज अगर जाते हैं तो मल्टी एयर फ्लो दिया है। अभी मल्टी एयर फ्लो क्या है, नॉर्मल हम देखते हैं कोई भी फ्रीजर में अगर देखते हैं वन साइड, एक साइड ऊपर साइड से डक्टिंग देता है और वहीं से सभी सेक्शन को कूलिंग देने का काम करता है। बट वॉश रेफ्रिजरेटर में अगर देखते हैं हर एक कंपार्टमेंट के हिसाब से अलग 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 यहाँ पे जो है मल्टी कूलिंग दिया है, जो हमने बाहर टेम्परेचर सेट किया है वही टेम्परेचर जो है एज इट इज सेम सभी इसमें जो हमको सेम यूनिफॉर्म कूलिंग देने का काम ये फ्रिज में मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम अगर देखते हैं यहाँ पे डोर फ्लो भी आएगा, जो हमने टेम्परेचर एज फ्रिज में सेट किया है वही टेम्परेचर जो है हमको डोर में भी मिलना है। पूरा जो है इसका एक्रेलिक का मटेरियल आता है जो अनब्रेकेबल होता है। डोर में भी मल्टी एयर फ्लो है, जो कूलिंग हमने सेट किया है वो कूलिंग हमको सेम कूलिंग उसमें मिलेगा। साथ ही साथ इसमें इजी टू एक्सेस में हमारा देखेंगे बॉटल ग्रिड भी दिया है और टेक्नोलॉजी वाइज देखते हैं कोई भी फ्रीजर में हमें वेजिटेबल बॉक्स से हमारा लाइफ का सबसे ज़रूरी पार्ट है, उसी हिसाब से अगर देखते हैं तो हम किसी भी फ्रीजर में वेजिटेबल बॉक्स जो है काफ़ी कम आता है। बट बॉश में अगर देखते हैं तो हमको यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स भी काफ़ी बड़ा दिया है। अभी वेजिटेबल बॉक्स में भी बॉश में अगर देखते हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस दिया है, इसमें जो है वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी दिया है। अभी वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी क्या है, नॉर्मल फ्रीजर सेक्शन में और हमारे बॉश के इसमें अगर देखते हैं वेजिटेबल बॉक्स में तो यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी वेव्स टाइप डिजाइन इस बॉक्स में दिया है। नॉर्मल फ्रिज में अगर देखते हैं वेजिटेबल बॉक्स प्लेन आता है, जिससे कि हम जो कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह जो रखते हैं वो प्लेन सरफेस पे अगर रखते हैं तो वहीं से मॉइस्चर पकड़ना स्टार्ट कर देता है। बट बॉश में अगर देखते हैं तो वहाँ पे वेव्स टाइप डिजाइन दिया है, जो हम वहाँ पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखने वाले हैं उसको जो है नीचे से भी यूनिफॉर्म कूलिंग देने का काम ये वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी में हो रहा है।